नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज मेरे जो गाड़ी की इंटीरियर्स हैं वो ऑलमोस्ट एक महीने हो गए गाड़ी खरीदे हुए और थोड़ी गंदी हो गई है। सो आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो टू शो यू हाउ टू क्लीन द इंटीरियर्स योर सेल्फ एंड विद सम वेरी सिंपल प्रोडक्ट्स। सो द प्रोडक्ट्स आर आई एम गोना यूज इज दिस कार वॉश शैम्पू जस्ट फॉर द इंटीरियर्स। आई विल टेल यू व्हाई आई एम यूजिंग अ शैम्पू फॉर दिस। आई बी यूजिंग द वैक्यूम क्लीनर और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई बी यूजिंग अ वैक्यूम क्लीनर, आई बी यूजिंग फॉर्मूला वन मिस्टर लेदर, ये कंडीशनर होता है लेदर के लिए, एंड वी हैव अ लेदराइट अपहोल्स्ट्री। आई बी यूजिंग अ स्पंज, अ फोम एप्लीकेशन फॉर द डैशबोर्ड शाइनर और सम माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। What I'm trying to do is I'm trying to remove everything from the car except this monkey जो बिल्कुल नहीं निकलना चाह रहा है, तो हम उसे भी साफ करेंगे आज गाड़ी के साथ साथ। So first what we're gonna do is we're gonna start with the slight vacuuming of the car. For vacuuming I'm gonna use this vacuum. मैंने Amazon से खरीदा है, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। I have tried it once, decent है, so let's put it to test. ओके गाइस, सो हम लोगों ने पहले तो वैक्यूमिंग कर दी है गाड़ी की। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मार्केट में बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फोमिंग प्रोडक्ट्स, अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स, बट मैं ओल्ड स्कूल तरीका आजमाता हूँ, मैं गाड़ी को ड्राई वॉश ही करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेक दिस स्पंज और मैं इसे विद शैम्पू गाड़ी के सीट को पहले क्लीन करूँगा। What I'm trying to do is do a dry wash. So don't make sure that your foam या sponge is not very very drenched in water or wet. इसको अच्छे से पहले squeeze out करेंगे with little bit of water, जिससे ये जो shampoo है उसमें foaming आ जाए। I think this is ready. So let's start with the front panel. Guys, we are finally done with the upholstery, seats and the dashboards. Now it's time for the roof. Because आप देख पा रहे हो कि ये white roof है, इसमें कोई कोई spots जो होते हैं जहाँ पे बहुत गंदगी जमती है, like you can see these spots. ये हमेशा dirty हो जाता है and spots like these, यहाँ पे stain आ जाते हैं that you can see. So हम इनको clean करेंगे. I'm not going for the entire roof cleaning, but I'm targeting just these ones. So फंडा सेम है गाइस, हमने बिल्कुल ड्राई स्पंज लिया है, उस पर शैम्पू डाला है सो दैट कि ये फोम क्रिएट हो जाता है और इसी से हम क्लीन करेंगे। Thank you.
ओके सो हम लोगों ने अच्छी तरीके से इंटीरियर को शैम्पू ड्राई वॉश कर दिया है। अब बारी आती है हमारे लेदराइट सीट को कंडीशन करने की। सो मेरे पास है यह फॉर्मूला 1 हाई परफॉर्मेंस मिस्टर लेदर क्लीनर एंड कंडीशनर। बिकॉज ये लेदराइट सीट है, ये प्रोडक्ट जो है ये क्लेम करता है कि लेदर को कंडीशन रखेगा और उसकी लॉन्जिविटी को बढ़ाएगा। तो चलिए इससे अब लेदर सीट्स को कंडीशन करते हैं। गाइस अमेजिंग डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस एंड आफ्टर, मैं आपको वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही है गाइस, हालत तो बहुत खराब है। चलो कपल ट्रिक टिप्स जो आपको बताना चाहूँगा। सो अगर आप देख पा रहे हो कि मैंने दो अलग अलग क्लॉथ यूज़ किए हैं, क्योंकि एक जब ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है तो दूसरे ड्राई क्लॉथ से हमें करना चाहिए। और सेकेंडली ये ड्राई क्लॉथ मैंने स्पेसिफिकली रूफ के लिए रखा था, बिकॉज रूफ शुड नॉट बी डैम्प एंड मॉइस्ट। तो ये सीट के लिए था, एक रूफ के लिए था। दो अलग अलग कपड़े आप रखोगे तो बेटर है। गाड़ी की सीट अपोल्स्ट्री डैशबोर्ड सब कुछ हमने शैम्पू वॉश और सीट को हमने कंडीशन कर दिया है। चलिए आई क्विकली करते हैं डैशबोर्ड की पॉलिशिंग। तो गाइस डैशबोर्ड की पॉलिश के लिए हम ये फोम का इस्तेमाल कर रहे हैं और 3M के डैशबोर्ड ड्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस 3M कार केयर किट की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस कम्स विद अ यू नो अ डैशबोर्ड ड्रेसर, अ शैम्पू, अ व्हील ड्रेसर, अ वैक्स एज वेल एज टायर शाइन। तो मैं इसकी लिंक आपको जरूर दे दूंगा। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, अ मस्ट हैव फॉर ऑल द कार लवर्स। हमने फोम पे ले लिया है एप्लीकेंट एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसे प्रेस करके सो दैट ये अब्सॉर्ब हो जाए। जस्ट जेंटली स्टार्ट विद द फ्रंट डोर्स। गुड थिंग अबाउट दिस 3M के प्रोडक्ट गाइस कि ये इट्स अ डैशबोर्ड ड्रेसर, ये इसे अननेसेसरी की शाइन नहीं देता है। बट ये जो हार्ड प्लास्टिक होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सफेद होने लगते हैं, उनसे इसको प्रिवेंट करता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ ऑफ्टन शुड वी डू दिस। मैं बोलूंगा महीने में एक बार काफी है योर इंटायर डिटेलिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ योर कार। अगर आप गाड़ी को कांच बंद करके एसी में चलाते हो तो आइडियली तरीका वही होता है गाइस, बिकॉज एक्सटीरियर में जो धूल मिट्टी जो होती है और जो पोल्यूशन का अभी जो कंडीशन है हमारे कैलकटा में, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि वैसी कितनी गंदगी है। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि खिड़कियों को ऊपर करके एसी में चलाओ आप। और एक और चीज़, सो दिस आई एम ओनली यूजिंग फॉर द ब्लैक पार्ट ऑफ द कार। आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस ऑन द वाइट वन, सिंस आप देख रहे हो कि इसमें बहुत गंदगी है, वाइट को काला कर देगा। तो रिमेंबर दैट, जरा सा हम खाली ख्याल रखेंगे जब भी आप इवन व्हेन यू आर डूइंग अ ड्राई वॉश और व्हेन यू आर डूइंग अ शैम्पू वॉश। गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रिकल्स होते हैं जैसे स्पीकर्स हो गए, ऑल द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड एवरीथिंग, वहां पे पानी सीप इन नहीं करे। दो दीज आर डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ वाटर रेजिस्टेंट बट नॉट वाटर प्रूफ, सो इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। इंटीरियर का काम खत्म हो गया है और मैं बहुत ही थक गया हूँ। मैं कुछ टाइम देने वाला हूँ गाड़ी को जस्ट टू यू नो ड्राई आउट, जस्ट टू एयर आउट बिफोर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर वाली वीडियो क्लिक करूँ आपके लिए। Thank you.
सो गाइज ये थी हमारी वीडियो, मुझे बहुत मेहनत लगी है, आई हैड क्लीन द कार फॉर ओवर 3 आवर्स आप लोगों के लिए, कि मैं दिखा पाऊं कि गाड़ी को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। एटलीस्ट वंस अ मंथ हमें गाड़ी की इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स की डिटेलिंग करनी चाहिए। एंड अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर करें, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, प्लीज कमेंट छोड़ें, अगर मुझसे कोई यू नो देयर फ्यू थिंग्स दैट आई कैन इंप्रूव ऑन और मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मेरे को फीडबैक दीजिएगा। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए गाइज, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम और ज्यादा कॉन्टेंट लेके आएंगे। Till then, next video ke liye, thank you very much. God bless you and Merry Christmas.